पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर आ रहे कावड़ भेड़ों से पीतल नगरी भगवा में हो गई। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो माह तक चली कावड़ यात्रा की रौनक रविवार को आस्था के सैलाब में बदल गई। दिल्ली रोड पर एक तरफ लगे शिविरों की वजह से सड़क पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। हालात ये थे कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। सुबह से शुरू हुआ कावड़ आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कावड़े रविवार को सुबह ब्रजघाट से गंगा जल लेकर निकले। पैदल जल लेकर मुरादाबाद तक कावड़ियों को न पांव में छालों को की फिक्र थी और न ही थकान का असर। घुंघरुओं की छनछन की आवाज, होठों पर भोले के जयकारे, डीजे पर बजते भजनों पर थिरकते कदम और केसरिया सैलाब, कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को दिल्ली रोड का था। सावन का अधिक मास होने की वजह से दो माह तक सोमवार पर श्रद्धालुओं का भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक पूरे उत्साह के साथ दिखाई दिया और सभी भक्तों ने किया। आखिरी सोमवार होने की वजह से पूरा रोमांचक माहौल था। जगह जगह पर कावड़ियों का स्वागत किया गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।